वहाँ पर अंकिता भंडारी उसका मोबाइल फोन नदी में डाल दिया था। अब मैं अभी उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ कि पुलिस से जांच को ले लिया जाए और सीबीआई को अंकिता भंडारी के न्याय के लिए देखिए। मैं जनता से यही निवेदन करती हूँ, मैं एक अधिवक्ता हूँ, कि मैं अपनी तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में। देवभूमि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के मामले में प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि इस मामले में जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए, और यह मांग सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि ना सिर्फ पूरे उत्तराखंड की है बल्कि पूरे देश की यह मांग है, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक 19 साल की लड़की के साथ एक पूर्व मंत्री का बेटा इस तरह का कृत्य करता है। इस बारे में मेरे साथ आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अधिवक्ता प्रियंका। प्रियंका मैम, जो अंकिता भंडारी का मामला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि जो अंकिता भंडारी के साथ बहुत मतलब ये अप्रिय घटनाकारी जो हुई है, इस पे मैं बहुत मतलब सर्वप्रथम तो दुख प्रकट करती हूँ। मुझे बहुत ही मतलब इतना आत्मग्लानी उन अभियुक्त जो हैं उन पर हो रही है, और अपने आप को बचाने के लिए साक्ष्यों से को छुपाया जाता है। अभी मैं इसमें ये कहना चाहूँगी, ठीक है, मैं उत्तराखंड की जनता को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ। पूरा ऑल ओवर इंडिया जो है इस पे बहुत आक्रोश अपना जाहिर कर रहा है, तो मैं इनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये आवाज़ ही जो है ये अंकिता को न्याय दिलाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, देखिए मैं एक अधिवक्ता हूँ और मैं अकॉर्डिंग टू लॉ बात करूँगी, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बात करूँगी। यहाँ पे जो जनता ने आवाज़ उठाई तभी इसमें इतना जन सैलाब उमड़ के आए, इसलिए इसका जो इन्वेस्टिगेशन है एक सही ट्रैक पे चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बताइए, एक लड़की वहाँ पर काम करती है, ठीक है, उसकी क्या मजबूरी थी बेचारी की, क्या नहीं थी, आप मुझे बताइए। अभी मैंने सुनी जो बातें हैं, मेरे को ये पता चला है कि जो उसका गेस्ट, जो उसका होटल है, जहाँ पर भी वो होटल है, वहाँ पर बुलडोजर चलाया गया। अब आप मुझे बताइए कि वहाँ पर बुलडोजर चला गया, चलिए आपने बुलडोजर चलाया, आचरी मैं योगी आदित्यनाथ जी का आप जो कॉन्सेप्ट है वो आप यूपी की तरह यहाँ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ धांधले बाजले के लिए आप उसको फॉलो कर रहे हैं। पुलिस बोलती है हमने बुलडोजर नहीं चलाया, तो बुलडोजर चलाया तो चलाया किसने, चलिए बुलडोजर चला भी गया। देखिए जो इम्पोर्टेंट वो एविडेंसेस थी वो तो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। उस वहाँ पे हो सकता है कोई हैंडराइटिंग में उसने कोई नोट एप्लीकेशन लिखी गई हो, थाना जो इन्वॉल्व था उस रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा था, उसकी जो वहाँ का लोकल पुलिस थी जो चौकी थाना था वो पहले से इन्वॉल्व था, पटवारी राजस्व विभाग पहले से ही उसमें इन्वॉल्व था, सारी जानकारी सबको थी, क्योंकि अंकिता से पहले भी वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट थी उसके जो हस्बैंड वाइफ वहाँ पर जॉब करते थे, आपने सुना होगा उनका इंटरव्यू, उन्होंने भी बोला कि ये जो रिक्वायरमेंट जो होती है कि वीआईपी को स्पेशल फैसिलिटी देना है या जो भी देना है, तो उस लड़की के साथ भी उन्होंने उसको फोर्स किया था, बट उसने उसे कंप्लेन करी। मैं ये बोलती हूँ पुल की तारे का जो घर है उस पर बुलडोजर चलाया जाए, और अंकिता को सच में ही न्याय दिलाना चाहते हैं तो मेरा एक ही निवेदन है जनता से भी, ये जो जांच है पुलिस से दे ली जाए और सीबीआई को इसको ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि अभी 60% एविडेंस तो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, 40% एविडेंस से हो सकता है सीबीआई आए इस केस में वो इन्वेस्टिगेट करे, जो भी इन्वेस्टिगेटर होगा वो 40% कुछ चीजें ऐसी निकाल ले, क्योंकि देखिए अभी तक मैं एक एडवोकेट के बिहाफ पे बात कर रही हूँ, आप बताइए अभी जो वो तीनों के तीनों एक्यूज जेल में, आप मुझे बताइए क्या सफिशियंट एविडेंस पुलिस के पास है कि वो तीनों जेल में, एसआईटी चूंकि जांच कर रही है क्या एविडेंस अभी क्यों बताएगी, नहीं क्यों नहीं बताएगी आप, अब मैं इसका भी आपको जवाब दे देती हूँ। आप बोल रहे हैं कि एसआईटी जांच करी है, पुलिस पे सफिशियंट एविडेंस है कि मैं हम आपको नहीं बता सकते, आप क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं उस चीजों को, हो सकता है कुछ और चीजें नहीं खुल के आ जाए, आप बताइए कुछ चीजें एविडेंस तो ऐसी जो जनता को बताई जा सकती है। मैं अपने पार्ट पे कुछ चीजें, मैं भी खुद एक इन्वेस्टिगेट मतलब जो सब चीजें सुन करके लोगों के व्यूज लेकर मैं भी उनपे बात कर रही हूँ, अपना एविडेंस वो भी मैं भी देख रही हूँ। देखिए वीआईपी लोग तो वहाँ पर आते ही थे, अपनी चैट में भी समझ रहे ना, लोग वीआईपी वहाँ पर, देखो ये धंधा चल रहा है, एक जिस फरोखी का धंधा चल रहा है ना, आप बताइए, इट मीन्स कोई ना कोई आ रहा है। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है, जो मेरी आत्मा कह रही है, देखिए अभी मेरे को कोई ऐसे एविडेंस मेरे पास नहीं है कि मैं किसी को टारगेट करके चलूँ, हाँ मैं इतना तो कह सकती हूँ, हाँ वो वीआईपी कौन हो सकता है, अगर मुझसे कोई पूछे मैं बोल सकती हूँ कौन हो सकता है। अभी यह तो एसआईटी जांच कर रही है, हो सकता है एसआईटी आपको नाम बताए, नहीं तो एसआईटी ने तो कहाँ किया, अभी उसका रिमांड लिया गया पुलकी तारिया का और तीनों के अभियुक्तों का रिमांड लिया गया था, तो एसआईटी ने कहाँ उनसे उगलवा पाई है। आपको लगता है कि पुलिस अगर उनसे थोड़ा स्ट्रिक्टली उनसे इंक्वायरी करती तो क्या वो उनका नाम नहीं खोलेंगे,
अच्छा। और फिर सुनने में ये भी आया है कि मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि वो वीआईपी गेस्ट कौन हो सकता है, जितना मेरा वो है मैं उस पार्ट पे भी मैं अपने लेवल पे कर रही हूँ, हो सकता है मैं उसका नाम भी खोल दूँ। अच्छा, जिस तरह पुलकित के पिताजी का ये बयान, मेरा लड़का भोला भाला, उसका व्यवहार अपनी जगह ठीक था, तो इस पर एक 19 साल की लड़की, जिस तरह एक गरीब परिवार की लड़की अपने सपने पूरा करना चाहती है, अंकिता भंडारी को लेकर आप एक महिला हैं, आपको कितना अफसोस है? देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि अंकिता के साथ ऐसा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूं, आप मेरा रिकॉर्ड आप निकलवा सकते हैं कहीं भी, मेरे पास जो होते हैं फीमेल ही जो होती है क्लाइंट, वही तो विक्टिम ही मेरे पास होती है। तो देखिए, मैं बहुत अच्छे से जानती हूं एक गरीब लड़की किस तरीके से, पता नहीं किस मजबूरी में आकर ये सब कर रही होगी। आप वीआईपी का नाम उजागर करने की बात कर रही हैं, अपने ढंग से इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं लगता प्रभावशाली लोग आपको कोई हानि होगी? मैं देखिए एडवोकेट भी हूं और मैं सोशल एक्टिविटीज से बहुत जुड़ी हुई, और मैं एक ट्रस्ट का भी संचालन के, प्रभु श्री राम जी के नाम से मेरी ट्रस्ट है। तो मैं कोई ऐसा कृत्य नहीं करती हूँ, मुझे अपने ईश्वर पर, प्रभु श्री राम पर पूरा विश्वास है कि जब मैं सही हूँ तो कोई मेरी कितनी शिकायतें करे, कुछ भी करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अंकिता भंडारी को न्याय के लिए मैं बोल रही हूँ, मैं मीडिया के थ्रू एक मैसेज देना चाहती हूँ, उसकी फैमिली या कोई भी लोग अगर वो आते हैं तो मैं अंकिता की भंडारी की साइड से एक जनहित याचिका अपने ही उससे उच्च न्यायालय में फाइल कर दूंगी। लोग बरी हो जाते हैं तो मुझे ये बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन होगा? बोल रहे हैं कि ये लोग गए वहां पर बैराज के पास, गए वहां पर अंकिता भंडारी उसका मोबाइल फोन नदी में डाल दिया था, आफ्टर देन उनका नोकझोंक हुई, उन्होंने उसको धक्का दे दिया, जबकि मोबाइल फोन तो बाद में पुलकित आर्य ने नदी में डाला हुआ है। कि पुलिस से जांच को ले लिया जाए और सीबीआई को इसको दे दिया जाए। अगर मुख्यमंत्री साहब एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सब नहीं करते हैं तो मैं खुद अपने खर्चे से अपने बिहाफ पे जाकर के माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका डालने जा रही हूँ कि इन्हीं फैक्ट पे लेकर के मेरे पास एविडेंस भी है पुलिस के खिलाफ, क्योंकि पुलिस ने बहुत सारे केसों में अभियुक्तों को बचाया हुआ है। अभी क्लेमेंटाउन अंकिता को जल्द से जल्द न्याय, बिल्कुल मैं अंकिता को न्याय देने, मैं आपको बोल तो रही हूँ ना, मेरे से जो भी मुझसे बन पड़ेगा उसके लिए कहीं केस कुछ भी मेरे साइड से पैरवी करना होगा, किसी भी टाइप से फाइनेंशियली करना होगा, फिजिकली उसके लिए करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग लॉ के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मैं अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हर जगह जाऊंगी, जो भी मुझसे पॉसिबल होगा मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी कुछ चीजें मैं भी अपने उस पर इन्वेस्टिगेशन वो कर रही हूँ कि ऐसा ना हो कि पुलिस की मनगढ़ंत कहानी आ जाए, है ना। और कुछ लोग जो देखिए इनोसेंट, तो मैं उन्हें नहीं बोलती हूँ कि वो इनोसेंट हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे पता है ना पुलिस का कि देखिए चार्जशीट हल्की धारा में भेजनी है इसके इतने पैसे दे दो, मेरे पे प्रमाण भी है इसके, भारी धारा में भेजनी है इसके मुझे इतने पैसे दे दो, हाँ जी इसका नाम हटाना है इतने पैसे दे दो, इसका नाम हटाना है इतने पैसे दो।